हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें हम यस अगेन 20 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, 20 क्वेश्चन के ही, क्योंकि आपको मैं बहुत सारे टॉपिक्स प्रोवाइड करा रही हूँ, जितने भी बच गए हैं छूट गए हैं वो सब दे रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने 20-20 के सेट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। और फिर वैसे ही आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो आपको टफ क्वेश्चंस भी ईजी लगने लगे हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस के 30-30 के सेट बनाने से अच्छा है कि 20 क्वेश्चन का सेट बनाइए, लेकिन वो 20 क्वेश्चन आपके सॉलिड होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर से इंक्लूड किया है, बाकी ज्योग्राफी और जीके से पूरा है ये आपका। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? ऑप्शंस आपके सामने, आप रीड कर लीजिए, मैं रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। ठीक है, अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर से है ये आपका। नेक्स्ट है आपका चेक बैंक ड्राफ्ट आदि क्या है? चेक बैंक ड्राफ्ट क्या है? सो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साख मुद्रा है ये। साख मुद्रा देखिए क्या होता है, जितने भी ये 5 प्रकार की होती है मेनली साख मुद्राएं, और ये होती क्या है, जितने भी पेपर के फॉर्म में जो मनी ट्रांसफर हो, मनी दिया जाता है, यानी कि है वो कागज, एक्चुअली मनी नहीं है लेकिन उसकी एक वैल्यू है, मतलब मनी ही है वो। जैसे आप किसी चेक दिया तो मतलब उसने आपको पैसे ही दिए हैं, लेकिन उसने क्या आपको नोट दिया, नहीं दिया ना, तो बस वही, उन्हीं को साख मुद्रा कहते हैं। फिर बहुत सारी होती है, आगे चल के आपको सबके नाम मिलेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में औद्योगिक संस्थान हैं? तो देख लेते, इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 9 जिलों में वर्तमान में औद्योगिक संस्थान हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था? अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर से पूरा चल रहा है अभी आपका, तो इसका आंसर होगा 6। छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाना। निम्न में से क्या साख मुद्रा नहीं है? ऊपर भी मैंने आपको साख मुद्रा का मतलब बता दिया है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी साख मुद्रा नहीं है। यस, बिल्कुल सही गेस किया है, करेंसी नोट। ऊपर ही मैंने बता दिया था कि नोट मतलब पैसा नहीं होना चाहिए, पेपर के फॉर्म में जो होता है, जैसे चेक है, हुंडी है, प्रतिज्ञा पत्र है, बैंक ड्राफ्ट है, ये सारी चीज़ें आपके जो होती हैं वो साख मुद्राएं होती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? देख लीजिए सारे ऑप्शन फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, या इस तरह से भी क्वेश्चन बदल के आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे निम्न में से क्या स्थित है, और फिर आपको ये सारे ऑप्शंस और भी अदर ऑप्शंस के साथ दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो जल्दी से देखिए, तो इसमें क्या सत्य है, इसमें ये सत्य है कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ऐसी रहती हैं, है ना, तो लंबवत काटती हैं, ये सत्य है। बाकी चीज़ें सत्य नहीं है, समांतर रेखाएं भी नहीं है, ध्रुवों पर मिलती भी नहीं है, और दोनों रेखाएं क्षैतिज भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट आपका है पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच स्थित है? पर्वत से आता है क्वेश्चन, मैंने आपको पर्वत का वीडियो भी दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा टफ करके दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिरेनीज पर्वत का आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और स्पेन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने किस दिशा में बहती हैं? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने कौन सी दिशा में बहती हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व दिशा में। अगला है आपका एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पेरू में है ये। देखिए किसी भी टॉपिक से, जीके में यही तो है कि आपका किसी भी टॉपिक से उठा के, जियोग्राफी का जो भी टॉपिक है वो सब उठा के दे देता है, तो यहाँ मैंने इसीलिए हर टाइप के एक एक क्वेश्चन इंक्लूड किए। बंदरगाह, ओके, निम्न में से कौन सा बंदरगाह अरब सागर में स्थित नहीं है? बंदरगाह के मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आपको याद हो चुका होगा, तो जल्दी से बता दीजिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका यस,
अरब सागर में नहीं है, नहीं वर्ड पे ध्यान देना है। राइट आंसर हो जाएगा इन्नौर। इन्नौर कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और बाकी ये सभी जो हैं वो आपके अरब सागर में स्थित है। वीडियो दिया हुआ है, उसमें लर्न भी करा दिया है मैंने। आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, जीके एंड करेंट अफेयर की प्लेलिस्ट में। निम्न में से गर्म जलधारा है। अब आपको जलधारा बताना है। लास्ट एग्जाम में भी आई थिंक जलधारा से एक क्वेश्चन आया हुआ था, गल्फ स्ट्रीम उसका राइट आंसर था। तो देख लीजिए गर्म जलधारा कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस, मोजाम्बिक। ठीक है, ये आपकी गर्म जलधारा है। बाकी ये सारी जो है वो क्या है? आपकी ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधाराएं आपकी क्या होती हैं? ये ध्रुव है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं। ठीक है, ठंडी जलधाराएं ये सारी। मोजाम्बिक आपकी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम भी आपकी जो लास्ट एग्जाम में आई थी वो भी गर्म जलधारा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी स्थित है। कोटोपेक्सी नामक ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इक्वेडोर, सिसली में। अच्छा, एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सिसली में आपकी कौन सी ज्वालामुखी स्थित है? एटना, बहुत फेमस है। ठीक है, एटना है। और हवाई द्वीप में आपकी कौन सी ज्वालामुखी है? आपकी मोना लाओ भी है, और इसके अलावा किलाउया। ठीक है, किलाउया ये भी आपकी हवाई द्वीप में स्थित है। जबकि आइसलैंड में स्थित है आपकी स्ट्रॉम्बोली। ठीक है, ऐसे इसमें राइटिंग ही नहीं बनती, वैसे भी मेरी राइटिंग थोड़ी स्ट्रॉम्बोली। ठीक है, ये आपके आइसलैंड में है, कोटोपेक्सी इक्वाडोर। चलिए देख लेते हैं आगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? देखिए डेट सारी सेम लिखी है, आपको अगर मंथ पता होगा तो आप बता लेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये तो पता होना ही चाहिए। मतलब आपको सारे स्टेट्स और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसकी कैपिटल तो याद ही होगी, तो आपने गेस कर लिया होगा। सही आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? कवारत्ती। ठीक है, ये आपका क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है। इसके अलावा अगरतला आपकी कहाँ की राजधानी है? ये आपकी त्रिपुरा की राजधानी है। कोहिमा आपकी नागालैंड की राजधानी है, और जयदीप कहीं की राजधानी नहीं है, ये बस मैंने ऐसे आपको कन्फ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है आपकी, ऐसे ऐसे। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है, 111.32 किलोमीटर, ये एक्चुअली भूमध्य रेखा पे दो देशांतर, ये भूमध्य रेखा है, तो देशांतर तो उनकी दूरी हर जगह सेम नहीं होती है ना, इस टाइप से। तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो आपकी इतनी होती है। ठीक है, और ये आपकी अक्षांश हो गए, तो इनकी यही 111 होती है बीच की दूरी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, संख्या भी बता दीजिए कि कितने अक्षांश होते हैं और कितने देशांतर होते हैं। ठीक है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कितने होते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है, सबसे ईजी क्वेश्चन यही है। निम्न में से कौन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध पेंटिंग है? बताइए, कला वाले पोर्शन से है आपका, थोड़ा सा जीके में भी आता है ये। पेंटिंग के नाम लिखे हुए हैं, देख लीजिए। तो ये आपका नारी, ठीक है, नारी एक चित्र है जिसके चित्रकार है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ग्रेट बियर झील स्थित है। ग्रेट बियर झील कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ग्रेट बियर झील आपकी स्थित है यस कनाडा में। ठीक है, भारत की प्रमुख झीलों का वीडियो आपको मैं दे चुकी हूँ, हालांकि मैंने यहाँ विश्व से पूछा है। कुमायूं नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? कुमायूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नहीं बना तो क्या बना? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुमायूं नृत्य आपको पता है, नौटंकी, रामलीला, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की फोक डांस में आता है। इसके अलावा फिर गीत में आपका कजरी एंड ऑल ये सब आ जाते हैं।
इसके बाद है फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन, उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध किससे है? उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध इनमें से किससे है? तो देख लीजिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, यस तबला। तबला का, तबला वादक हैं उस्ताद अल्लाह रखा। तो आई जस्ट होप कि आज के क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, भले ही मैं 20 क्वेश्चंस ही दे रही हूँ, लेकिन वही मैंने कहा कि मतलब बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी, जो कि हर किसी से बन जाए, ऐसे 10, 30, 40, 50 क्वेश्चन देने से बेटर है कि 20 क्वेश्चन दें। लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस कौन सी चीज़ अभी आपकी तैयार नहीं है। जैसे आपकी मान लीजिए झील तैयार नहीं है, ज्वालामुखी तैयार नहीं है, जो चीज़ें आपकी तैयार नहीं है अब आप उस पर वर्क कर सकते हैं। बाकी जो भी हेल्प चाहिए वो तो मैं प्रोवाइड करा ही रही हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो इसको पहले तो लाइक कर दीजिए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है दोस्तों के साथ शेयर करना। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए शायद ये यूज़फुल हो जाए, तो आप उनके साथ इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए और उसका कहीं ना कहीं उस अच्छाई का रिफ्लेक्शन आपको भी मिले। सो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट सारे अपलोड्स मिलते रहें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। और इसी के साथ जस्ट कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।